तो क्या आप भी अपने मोबाइल में दो सिम कार्ड यूज़ करते हो, और उसमें भी एक जियो का है और दूसरा लाइक का आइडिया वोडा एयरटेल? तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो दरअसल बात यह है कि जब हम जियो का डेटा ऑन करते हैं तो हमारा नेट अच्छा चलता है, लेकिन वही अगर हम उसी में हमें दूसरे सिम का डेटा चलाना हो तो लाइक वोडाफोन आइडिया एयरटेल, तो नेट तो चलता है लेकिन हमारा जो जियो का सिम कार्ड है वो सिम कार्ड भी और टावर दोनों भी गायब कर देता है, सिम कार्ड और टावर दोनों को भी गायब कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो का नेटवर्क चला गया तो उससे विद इन 1 सेकंड हम रिटर्न ला सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी ये मेरे मोबाइल में दो सिम कार्ड मौजूद है, एक है आइडिया और एक है जियो। तो फर्स्ट वाले में जो है मेरा जियो का सिम कार्ड है और दूसरा जो है सेकंड नंबर वो है आइडिया का। तो यहाँ पे मैं जब हम जियो का नेटवर्क यूज करते हैं तो हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता, दोनों भी सिम अच्छी तरीके से चलते हैं इस तरीके से। लेकिन वही अगर हमें चलाना हो दूसरे सिम का डेटा लाइक आइडिया वोडाफोन एयरटेल, तो अभी हम दूसरे सिम का डेटा ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम दूसरे सिम का डेटा ऑन करते हैं लाइक आइडिया वोडाफोन, तो जो पहले वाला जो नेटवर्क है जियो का वो डायरेक्टली गायब हो जाता है, टावर भी चला जाता है और कोई भी हमें ये जो फोन कॉल्स मैसेज वगैरह आते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो नेट है वो चल जाता है। तो अभी हमने रिचार्ज तो एक ही सिम में डाला है, जियो में डाला ही नहीं, तो उसमें एक ही सोल्यूशन है कि तो यहाँ पे मैंने दूसरे सिम का डेटा ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मैंने मेरा यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो सर्च किया है, हाईटेक प्रणव कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो नेट है वो नेट तो चलता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जो फोन कॉल्स मैसेजेस है वो आते ही नहीं है। तो उसका एक सोल्यूशन है लाइक जो नेटवर्क हमारा चला गया उससे रिटर्न लाने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ उस जियो सिम का डेटा ऑन करना होगा सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए। जैसे ही हम 1-2 सेकंड के डेटा ऑन करते हैं तो उसका जो है नेटवर्क जो है वो रिटर्न आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज करके आपका नेटवर्क रिटर्न ला सकते हैं, आपको सिम कार्ड का स्लॉट वगैरह निकालने का काम नहीं। इस तरीके से मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, मैंने अभी आइडिया का नेट शुरू किया, जैसे ही मैंने दूसरे सिम लाइक आइडिया का नेटवर्क चालू किया तो जियो का जो है पहला सिम वो बंद गिर गया। तो उसे फिर से चालू करने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉप पे एक सिम मेरा बंद दिखा रहा है, एक का जो नेटवर्क है टावर है वो चला गया और दूसरा जो है वो चालू है। तो उसको चालू करने के लिए हम फिर से जाएंगे हमारे नेटवर्क में डेटा में और जियो का जो डेटा है वहाँ ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम जियो का डेटा ऑन कर देते हैं तो जो उसका टावर नेटवर्क जो है वो चला गया था वो रिटर्न आ गया है। इस तरीके से आप अगर आपका नेटवर्क चला जाता है तो आपने एक बार एरोप्लेन मोड का यूज़ करके भी नेटवर्क आपका नहीं आया तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपना जो टावर है नेटवर्क है वो रिटर्न ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।